दुख के घड़ी में है, भगवान ऐसा विपत्ति किसी को नहीं दे, किसी दुश्मन को भी नहीं दे। जो परिवार, इस परिवार को जो दुख पड़ा है, जो हमारे परिवार पर पड़ा है, तो दोनों दुख की घड़ी में हम लोग अब एक दूसरे से क्या बात कर सकते हैं। वहीं दुख की घड़ी में हम लोग दोनों एक दूसरे को सांत्वना दिए। सर को, बाबू को हम भाई सांत्वना दिए कि बाबू आप घबराइए नहीं, हम लोग हैं। बाबू भी हमको कहे कि ठीक है चाचा, हम लोग साथ में एकदम। यही सब समर्थन का कहना है कि अभी तक तेजस्वी यादव यहाँ पे मिलने के लिए। देखिए, उस पर विषय में, परिवार के विषय में, RJD परिवार के विषय में, चाहे किसी भी दल के विषय में, हमें यहाँ कुछ कहना उचित नहीं लगेगा इस दुखी घड़ी में। आगे RJD को कुछ इनके बारे में सोचना होगा, इनके परिवार नहीं, परिवार में तो हम तो देखिए हम इतना जानते हैं, देखिए हम इतना जानते हैं, हम सिवान के वासी हैं और सिवान के वो विकास पुरुष थे हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री शहाबुद्दीन साहब, और हमेशा से कहते आए हैं उनको बेस्ट सांसद का पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, जो BJP की सरकार थी। तो हम तो आप एक सिवान के नागरिक होने के नाते पहले आप घोषणा कर चुके हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम उस दिन तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे वो श्यामा बाबू हो या मैडम हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जब तक किसी सदन में लोग नहीं जाएगा, हम ताउम्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही हमारा प्रतिज्ञा है, और ये इसको भीष्म प्रतिज्ञा आप समझिए, ये भीष्म प्रतिज्ञा है सर, और प्रतिज्ञा हम लोग के सत्य होगी सर। हम लोग बहुत जल्दी सदन